ने वन्य जीवों से संबंधित एक तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों ही इलाहाबाद और आगरा के रहने वाले बताए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से हाथी के दांत बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े रैकेट के सदस्यों के कब्जे से नकदी के रूप में 1250 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले एक महीने से दाल बाजार के अग्रे और गंढे की गली में रहने वाले हुकुम चंद गुप्ता से इन तस्करों की डीलिंग चल रही थी। वन्य तस्करों ने बताया था कि उनके पास बेशकीमती हाथी के दांत हैं, जिन्हें वे बेचना चाहते हैं। हुकुम चंद गुप्ता इसके लिए तैयार हो गया। उसने 25 लाख रुपए में यह डील फाइनल की। उन्होंने यहां नया बाजार में रहने वाले एक वकील चंदेश श्रीवास्तव के ऑफिस में इस डील को करना फाइनल किया। इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई और चारों आरोपियों हुकुम चंद गुप्ता खरीदार सहित कृष्ण कुमार गुप्ता, हिमांशु कुकरेजा, महेंद्र सेठ आदि को गिरफ्तार कर लिया। वकील चंद्रेश श्रीवास्तव के पिता अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि हुकुम चंद गुप्ता उनके ऑफिस में कभी कभार आते हैं, लेकिन डीलिंग के लिए वकील के ऑफिस को क्यों चुना, यह भी चर्चा का विषय है। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा एक गंभीर मामले में रेड किया और बड़ी सफलता मिली है। ये एक महीने पहले ग्वालियर में हाथी का दांत बेचने के लिए एक गैंग यूपी से आया हुआ था। उसके बारे में क्राइम ब्रांच को सूचना मिला था और उस सूचना पे उस समय किसी कारण से उनका ट्रेड नहीं हो पाया और ये वापस चला गया। फिर ये दोबारा आने के लिए प्रयास कर रहा था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने भी ये इनपुट को डेवलप कर दिया, इनके लिए एक ट्रैप ले डाउन किया था। तो इसमें क्राइम ब्रांच TI अजय पवार, उप निरीक्षक शिशिर तिवारी, माधवगंज थाने के जितेंद्र सिकरवार हेड कांस्टेबल और अन्य टीममेट्स साथ मिलके ये प्लान किया और ये ऑपरेशन में इनको बड़ी सफलता मिली है। कल इन लोग, ये 3 लोग, 2 लोग इलाहाबाद का है और एक आगरा के है, ये लोग ट्रेन द्वारा ग्वालियर आ गया और दाल बाजार में एक हुकुम चंद्र गुप्ता बोल के एक व्यक्ति से संपर्क किया और इन्होंने एक वकील के ऑफिस में बैठ के इनके डीलिंग कर रहा था। और इस डीलिंग के दौरान अपने बुकमेर द्वारा बताए गए स्थान पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा रेड मार लिया और रेड के दौरान इनके पास एक बैग मिला। बैग में न्यूज़पेपर में कवर करके 2 हाथी के दांत जैसे सामग्री मिला। हम 4 लोगों को उस मौके से कस्टडी में ले लिया और जो जब्त सामग्री लेके फिर वन विभाग को संपर्क किया। उनके द्वारा जो प्रिलिमिनरी जांच करके ये बताया कि ये ओरिजिनल हाथी का दांत ही है और हमने फिर वो हाथी का दांत और ये जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जो चोरी का और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के रेलेवेंट सेक्शन द्वारा FIR किया है।